तो फाइनली दोस्तों पबजी को इंडियन गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया गया है और साथ ही 118 और भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है जिसको बैन कर दिया गया है हमारे आईटी मिनिस्टर्स की तरफ से। तो गाइज बहुत ही दुख का बात है, अगर आप पबजी मोबाइल लवर्स हैं तो आपके लिए ये काफ़ी सैड न्यूज़ है आज का कि आपको पबजी मोबाइल आज के बाद खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और गाइज बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स थे जो पबजी पर डिपेंड करते थे, पबजी मोबाइल पर डिपेंड करते थे और ये वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी ट्रेंडिंग्स पर था ये पबजी। तो गाइज पबजी मोबाइल को बैन करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट्स का एक ही रीजन है क्योंकि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है, टेंशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ जो है पबजी मोबाइल पर भी था, जिसके कारण जो है इंडियन गवर्नमेंट्स को इसको बैन करना पड़ा। और भी इसी तरह के जो है 118 एप्लीकेशन है जो चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है उसमें, तो इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है इसको भी बैन कर दिया गया इन सभी एप्लीकेशन को। और गाइज अभी आप पबजी को अगर प्ले करते हैं, खेलते हैं तो मे भी शायद ये खुल जाएंगे, इससे आप खेल भी सकते हैं, लेकिन जब ये सर्कुलर जो है सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को जाएंगे ये उनका सर्वर को ब्लॉक कर देंगे और हो सकता है 24 घंटे या 48 घंटे के बाद इस गेम को आप ना खेल पाएं। जैसे कि टिकटॉक गायब हो गया था प्ले स्टोर से और इनके सभी सर्वर्स को ब्लॉक कर दिया गया था, उसी तरह ये पबजी मोबाइल को भी हो सकता है 24 घंटे या 48 घंटे के बाद ब्लॉक कर देगा इसके सारे सर्वर्स को। और गाइज आपको ये एक या दो दिन के बाद प्ले स्टोर और आईफोन स्टोर से भी आपको गायब दिखाई देगा और गाइज आप इसको आज के बाद खेल नहीं सकते हैं। तो गाइज बहुत सारे ऐसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर थे जो लाइव स्ट्रीम करते थे, पूरा इकोनॉमिकली गाइज इस पर बेस्ड था पबजी मोबाइल पर। और गाइज बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमर्स थे जो ऑफलाइन भी गेम को खेलते थे और उसके बाद रिकॉर्ड करके उसको एडिटिंग करके बहुत अच्छा से अपलोड करते थे, पब्लिश करते थे, बहुत अच्छा व्यूज आता था और यूट्यूब पर ये हमेशा जो है पबजी ट्रेंडिंग पर रहा। तो कहीं ना कहीं गाइज मुझे दुख है इन चीज़ों को लेकर और कहीं ना कहीं गाइज बहुत खुशी भी है क्योंकि हमारे इंडिया के जो यूथ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे इस गेम को लेकर और बहुत जो है पैसा इन्वेस्ट करते थे, बहुत सारे गन्स का स्किन्स वगैरह, ड्रेस वगैरह जो है बहुत सारे ऑनलाइन परचेज करते थे और कार्ड्स के थ्रू। तो गाइज ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब था और पढ़ाई लिखाई पर भी जो है हमारे यूथ्स जो है ध्यान नहीं दे रहे थे। तो गाइज अब उम्मीद है कि ये गेम बैन होने के बाद वो सही डायरेक्शंस पे जाएंगे और जो है अपना काम अच्छा से करेंगे, इस गेम के पीछे में समय बर्बाद ना करेंगे। तो गाइज अब देखना कि ये परमानेंटली बंद हुआ है कि टेम्पोरली बंद हुआ है ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो कोई जैसे ही लेटेस्ट न्यूज आएगा इसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो गाइज हो सकता है कि अभी पबजी मोबाइल जो कंपनी जो टेंशन गेमिंग है वो इंडियन कोर्ट पर अपील कर सकते हैं इसको बैन को हटाने के लिए, हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले और ये पबजी मोबाइल फिर से आए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो अभी पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया है इंडिया के आईटी मिनिस्टर के द्वारा। तो गाइज जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो गाइज अगर आपको खुशी है पबजी मोबाइल बैन होने का तो आप मुझे कमेंट करें और अगर आपको दुख है तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को किसने किसने देखा है और ये न्यूज को देखकर किसको ज्यादा खुशी हुई है और गम। तो गाइज कमेंट्स का इंतजार रहेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू।